चैनल पे फ्री पढ़ाई पे जब आज हम क्लास 10 के चैप्टर 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? sec थीटा इज इक्वल टू 13/12। sec थीटा क्या होता है आपका? sec थीटा होता है आपका हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये आपका बेस हो गया। तो एक छोटा सा फिगर बना लेंगे जिसमें आप हाइपोटेनस 13 ले लेंगे, बेस को 12 ले लेंगे। यहां से हम इसकी वैल्यू निकालेंगे, इसको एक्सलेट कर लेंगे तो ये हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 12 स्क्वायर होता है हमारा 144, ये होगा हमारा 169, यहाँ लेंगे हम एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर जो हमारा वो हो जाएगा 25। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 5। ये हमारा कितना आ गया? 5 आ गया। उसके बाद बाकी रेशियो निकालने में, बाकी रेशियो हम यहाँ निकाल लेते हैं। साइन क्या होता है आपका? साइन होता है पी अपॉन एच। कॉस क्या होता है आपका? कॉस होता है बी अपॉन एच। टेन क्या होता है आपका? टेन होता है आपका पी अपॉन बी। अब देखिए पी अपॉन एच, पी अपॉन एच यानी 5/13, तो साइन हो जाएगा 5/13। कॉस होता है आपका बी अपॉन एच यानी 12/13। टेन होता है आपका पी अपॉन बी यानी 5/12। ठीक है, अब टेन का उल्टा होता है कॉट, तो कॉट हो जाएगा 12/5। कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक हो जाएगा आपका 13/12। और साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक हो जाएगा आपका 13/5। ये हो गया छठा क्वेश्चन, छठा नहीं सातवां क्वेश्चन। हमारा सातवां क्वेश्चन है, हमारा सातवां क्वेश्चन है cot theta is equal to 7/8। cot theta is equal to 7/8, तो फाइंड करना है हमें क्या? पहला फाइंड करना है 1 plus sin theta into 1 minus sin theta, और दूसरा इसके नीचे है 1 plus cos theta upon में into में 1 minus cos theta। तो a plus b a minus b क्या होता है हमारा? a square minus b square, तो ये हो जाएगा 1 square minus sin square theta upon में, नीचे हो जाएगा 1 square minus cos square theta, तो ऊपर हो जाएगा आपका cos square theta, नीचे हो जाएगा आपका sin square theta, और cos square theta upon sin square theta जो होता है cot square theta। cot value दे रखी है हमें कितनी? 7/8, तो cot square theta क्या हो जाएगा? 7/8 का स्क्वायर यानी कि 49/64। सेकंड पार्ट जो इसका वो है cot square theta, क्या है? cot square theta, तो वो ऑलरेडी क्या हो जाएगा? 49/64। अगला क्वेश्चन हमारा एट्थ क्वेश्चन, इसको हम रफ कर लेते हैं। एट क्वेश्चन है हमारा 3 cot a इज इक्वल टू 4। उसके बाद फाइंड करने के लिए कह रहा है 1 माइनस 10 स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर a जो है वो इक्वल है या नहीं है cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। तो 3 cot a 4 है, तो cot a की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 4/3। cot a क्या होता है हमारा? cot a होता है बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। यहां से निकालेंगे हम हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या आएगा हमारा? हाइपोटेनस होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, ये हो जाएगा 25 इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर, तो हाइपोटेनस आ जाएगा आपका 5। फिगर बना लेंगे एक छोटी सी, फिगर में आपका बेस हो जाएगा 4, परपेंडिकुलर हो जाएगा 3, हाइपोटेनस हो जाएगा 5। अब निकालते हैं 1 माइनस 10 स्क्वायर, cot है 4/3, 10 इसका उल्टा होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 3/4 का स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 9 अपॉन 16। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 16 में से 9 गया 7/16, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 25/16, 16 कट जाएगा, इसका LHS आएगा आपका 7/25। RHS निकालेंगे, RHS क्या है? cos स्क्वायर है, cos स्क्वायर होता है आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या हमारा 4, तो 4/3 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, 3 परपेंडिकुलर अपॉन, एक सेकंड, कॉस स्क्वायर आपका होता है बेस अपॉन में हाइपोटेनस, और यहाँ गलती हो गई, हाइपोटेनस लिया 5 देंगे, और वो क्या होता है आपका 3/5, 4 का स्क्वायर हो गया 16/25, इसका स्क्वायर हो गया 9/25,